पिक्चर्स सो मूवी है। किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? सलमान खान जैकलिन का कैरेक्टर अच्छा है, सलमान का अच्छा काम है। तेजी शाह भी दो तीन साल बाद सलमान खान, तेजी शाह का भी ठीक वर्क है, बट सलमान खान और जैकलिन का गुड वर्क। रेस टू गाने की बात करें, बस गाने की चलता है, अल्लाह दुहाई है। टू स्टार बहुत अच्छी लगी, प्यारी लगी, और आप लोग ने भी देखना चाहिए। तो सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट शो था, सेकंड शो देखिए, या जब भी आप लोग को फुर्सत मिले आपकी मीडिया से कर्मचारी से भी, तो एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, ओवरऑल कैसी लगी आपको? सबसे ज़्यादा अनिल कपूर साहब फिल्म का मेन अट्रैक्शन, और उसका तोड़ सलमान साहब, और उसका तोड़ ये पूरे उनके को आर्टिस्ट। ग्लैमर है, फुल ग्लैमर है, इंटरटेनमेंट है, हॉलीवुड की फिल्म है, और इंडिया में शूट तो हुई नहीं है, सब दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, सिंगापुर शूट हुई है, लेकिन एक आप देख के निकलेंगे तो आपको लगेगा हॉलीवुड फिल्म देख रही, इंडियन फिल्म है ही नहीं पता। और सलमान साहब का काम बहुत अच्छा है। सैफ की कमी लगी फिल्म में, क्योंकि सैफ नहीं, सर वर्ल्ड टू में देखते हैं सैफ को, लेकिन इस बार सैफ नहीं है, सलमान है, तो सैफ की कमी नहीं। अभी देखिए ना सर, जहाँ सलमान साहब होते वहाँ किसी की जरूरत ही नहीं होती। आप ये तो सुनो अमित जी का डायलॉग ना, जहाँ हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती, जहाँ सलमान साहब होते वहाँ किसी की जरूरत ही नहीं होती। चल रही है ना भाई की म्यूजिक वाइज कैसी लगी? म्यूजिक वाइज बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है उस पिक्चर की। आउट ऑफ 5 कितना मार्क्स देंगे? स्टार को स्टार नहीं देते दोस्त, स्टार को सिर्फ सलूट किया जाता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जडेजा और रेस 3 देखने आया हूँ, और बहुत अच्छी लगी फिल्म, एक्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद बॉबी देओल जी को देखा, अच्छा लगा, ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी। और परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी सबकी परफॉर्मेंस? सलमान भाई का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही रहता है, और अनिल कपूर साहब तो इतने पुराने सीनियर एक्टर है, तो अच्छा ही, बट बॉबी देओल जी को बहुत दिन के बाद देखा, ओपन बॉडी किया, अच्छा लगा। रेस 1 रेस 2 से कितनी बेटर है, और सैफ की कमी लगी कहीं ना कहीं? वो एक अलग पार्ट था, ये एक अलग पार्ट है ना, वो अब्बास मस्तान जी ने बनाया था और ये रेमो जी ने बनाया, तो दोनों डिफरेंट है, ऐसा कमी महसूस कोई ना कोई आ जाता है, आज बॉबी देओल जी आए तो कमी। कैसा लगा म्यूजिक? अच्छा, एक्शन बहुत अच्छा, बहुत एक्शन, मतलब माइंड ब्लोइंग। आउट ऑफ 5 कितना मार्क्स? 7, 5 to 7। हाँ बताइए कैसी रही रेस? रेस 3 बहुत ही अब तक की इस साल की बहुत ही वाहियात मूवी है, सलमान भाई का काम अच्छा था, मैं केवल सलमान भाई का फ़ैन हूँ और सलमान भाई को देखने गया था, रेस में रेस नहीं थी। और रेमो डिसूज़ा जी, आप प्लीज़ डांस करवाइए, एक्शन बिल्कुल मत करवाइए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करें। और सॉन्ग्स पिक्चर में बिल्कुल वाहियात थे, किसी कोई सॉन्ग अच्छा नहीं था, और सेल्फिश हो के अपने लिए मत जीना, बस इतना कहूँगा। फिल्म को मैं आधा स्टार दूंगा। क्या कमी रही? फिल्म में पूरी कमी है, कुछ अच्छा नहीं है। सलमान खान होने के बावजूद भी? हाँ, बस सलमान भाई के नाम, अरे है स्टार का से क्या, वो तो ईद है, कमाई करेगी यार सलमान भाई के नाम पे, और क्या, बाकी बस सैफ अली खान होते तो वाह, मिस किया सैफ अली खान को, वो होते तो मज़ा आ जाता। कहानी में कोई दम नहीं थी, सब बकवास था, मतलब मैं सुबह उठ के जल्दी आया, अपनी नींद ख़राब करी। आप लोग प्लीज़ नींद मत ख़राब करें, कोई जाके अच्छी हॉलीवुड मूवी देखिए यार जाके। मेरे को पहली दूसरी दोनों अच्छी लगी, और इसको तो मैं किसने, हाँ अरे सैफ अली खान, ओहो क्या बात है, बहुत मज़ा आता। नहीं सलमान खान भी है, सलमान भाई भी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोरी में दम नहीं है, स्टोरी में कुछ ही नहीं यार, क्या बना दिया, हमको लग रहा है बस एक घर कैमरा खोला पिक्चर बना दी, कुछ भी जो मिला बस। अरे उनका अच्छा है अनिल कपूर का, हाँ बाकी सब जीरो का ट्रेलर। सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम सागर सलमान पांडे है, मैं सलमान सर का छोटा सा लुक लाइक हूँ, और मेरा फर्स्ट शो देखना मेरी हॉबी है। तो इस फिल्म के बारे में बता दूं कि फिल्म को ले देखने के लिए मेरे साथ 20 दोस्त आए हैं, सुबह 7 बजे उठ के आ गया हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, क्योंकि यार पिक्चर फर्स्ट शो देखना है। पिक्चर बहुत ज़बरदस्त है, स्टार्ट होती है ना वहीं से एक्शन शुरू हो जाता है, और पिक्चर आप चश्मा लगा के बैठे ना वो 3D है, पिक्चर शुरू होती है ना एक घुसाता बूम, अच्छा लगता क्या हो गया यार, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर है। पिक्चर का बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशन है, आप रो भी देंगे, एक फैमिली में क्या होता है वो सारी चीज़ें बताया है, और बहुत खर्चा किया सर पिक्चर में, स्टार्ट से लेकर एंड तक कॉमेडी भी है, हड़िया जाएंगे। अनिल कपूर साहब ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, बॉबी देओल साहब की बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत अच्छा कमबैक किया है, और सलमान सर के बारे में तो माइंड ब्लोइंग कह ही नहीं सकते, उनकी एंट्री
ही पैसा वसूल, सीटियां तालियां, लोग पूरा हॉल गूंजने लगता है। ये पिक्चर है, पिक्चर को हमारी तरफ से 500 करोड़ से नीचे तो होने नहीं चाहिए, ये वो पिक्चर है। इतना अच्छा सब्जेक्ट होगा और इतनी अच्छी पिक्चर बनेगी। बात करें गाने की तो आपको कौन सा गाना यार, अभी वो गाना बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा डांसिंग गाना है और बहुत अच्छा, उसमें डायलॉग भी बहुत हिट है। और बेवकूफ मुझे रेस से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस रेस का सिकंदर मैं हूँ। अल्लाह दुहाई है मुश्किल में, ये गाना सुपर डुपर हिट है सर। जब ये गाना बजता है तो पूरा हॉल खड़े होके डांस करने लगता है, इनफैक्ट मैं खुद भी। तो पिक्चर आइए देखिए थिएटर में, एक बार नहीं कल सुबह फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं कोई भी पिक्चर सलमान सर की 10 बार से कम नहीं देखता हूँ। आज पहला दिन है। मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। देखिए उसके डिफरेंस अगर जानना चाहेंगे तो उसके डायरेक्टर अलग थे और इसके डायरेक्टर अलग हैं, तो ये रेमो है, वो अब्बास मस्तान जी थे, तो फ़र्क तो आएगा ही। आप भी एक्टर हो और सेट की एक्टिंग और सलमान की एक्टिंग में क्या दोनों मैच का है? स्टोरी के हिसाब से वो जो स्टोरी दो पार्ट में बटे हुए थे, ये स्टोरी थोड़ा सा हटके है, तो ये सलमान खान के स्टाइल में है, तो भाईजान जो भी करते हैं तो लोगों को पसंद आती है मुझे लगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां है। हाँ, इसमें दो सॉन्ग जो सभी को पसंद आ रहे, एक सेल्फिश जो सलमान भाईजान ने खुद लिखी है और एक जो ये पार्टी ऑन ये वाला है वो वाला। मैं तो खुद 4 स्टार ही दूंगा। एंड स्पेशली 3D के कारण बहुत ही अच्छी लगती है, और उसके स्पेशली जो एक्शंस है और ये डांसेस दिखाए हैं और टाइटल ट्रैक रॉकिंग। रेस 1, रेस 2, रेस 3 तीनों से अच्छा क्या लगा आपको? ये 3D के कारण आई थिंक इफेक्ट इज वेरी गुड, बट अदरवाइज स्टोरी वाइज 1 वाज वेरी नाइस। सलमान का काम बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम का काम सलमान का नहीं, आई थिंक सलमान इज ऑलवेज बेटर एंड विद दिस मूवी आई थिंक दैट बॉबी डियोल शुड ऑल्सो टेक ऑफ। And Anil Kapoor is of course always nice as it is. Song's title song. It's very nice. 4 to 5.